वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप लोग एसएससी सीजीएल 2021 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अदर एसएससी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, तो गाइस आप सभी के लिए यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौका है और काफ़ी अच्छा ऑफर है जो अनअकैडमी प्लस आप सभी के लिए लेके आ रहा है। दोस्तों, साल के स्टार्टिंग में ही यानी कि 2022 की स्टार्टिंग में ही अनअकैडमी प्लस आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर लेके आ रहा है। ऑफर ये है कि अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं जनवरी 1 से लेकर जनवरी 3 के बीच में, यानी 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी के बीच में अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, तो आपको यहाँ पे 22% ऑफ मिलेगा। और साथ ही गाइस, अगर आप लोग PMYT कोड लगा करके परचेज करते हैं सब्सक्रिप्शन, तो आपको ये ऑफर का फायदा तो मिलेगा ही, साथ में मैक्सिमम डिस्काउंट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, काफी अच्छा मौका है अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट तरीके से करने का और इस बार अपना सिलेक्शन पक्का करने का। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड कराती हूँ कि ये जो ऑफर है ये 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी के लिए वैलिड है। आप लोग PMYT कोड लगा करके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हो, अपना PMYT कोड लगा के अपना सब्सक्रिप्शन इंश्योर कर सकते हो। साथ ही दोस्तों, आप एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर अकेडमी प्लस पे आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर यहाँ पे जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं उन सभी की लाइव क्लासेस मिलती हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, क्लास PDF मिलती हैं, रेगुलर डाउट सेशन मिलते हैं और क्लास रिकॉर्डिंग्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। आपको कहीं भी अलग कुछ भी पे नहीं करना है, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको ये सब कुछ मिल जाता है। साथ ही गाइस, PMYT कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा और PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज हैं अनअकैडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज़ UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, FCAT, CAPF, स्टेट PSC, UGC नेट, IIT, JEE नीट। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट कोड यूज कर सकते हैं PMYT। चलिए गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।